14.2 पौधों में नर व मादा जननांग और निषेचन। सभी जीवों में जहां नर और मादा जनन कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं उनमें जननांग पाए जाते हैं। क्या पौधों में भी ऐसा ही होता होगा? पौधों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। हम जानते हैं कि पौधों के फूलों में नर व मादा जननांग पाए जाते हैं। चित्र 6 देखिए। पौधों के फूलों में नर और मादा जननांग कहाँ होते हैं जानने के लिए चलिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 2, इसके लिए आपको फूल, धतूरा, रेलवे क्रीपर, स्लाइड, ब्रश, चिमटी, नीडल, पेट्री डिश, वॉच ग्लास, कवर स्लिप, सूक्ष्मदर्शी, डिसेक्टिंग, ग्लिसरीन की आवश्यकता होगी। चुने हुए फूल को हाथ में लेकर उसके विभिन्न अंगों का अवलोकन कीजिए। सबसे पहले चिमटी की सहायता से चित्र 6 अ व ब की मदद से नर तथा मादा जनन अंगों को अलग कीजिए। बच्चों, आपने घर के बगीचों में, विद्यालयों के बगीचों में विभिन्न प्रकार के फूलों को देखा है। ये फूल कितने रंग बिरंगे, आकर्षक और सुंदर होते हैं ना? क्या आपने इन फूलों के भागों को देखा है? फूल पौधे का जनन भाग है और इन फूलों में जनन अंग पाए जाते हैं जिनमें निषेचन की प्रक्रिया के बाद फल और बीज का निर्माण होता है। चलिए आज हम फूल के विभिन्न भागों को जानते हैं। बच्चों, फूलों के विभिन्न भागों को देखने के लिए सबसे पहले हमें फूल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने गुड़हल का फूल लिया है, साथ ही धतूरे का फूल भी रखा है। डिसेक्शन के लिए आप कोई भी फूल को ले सकते हैं। साथ ही हमें एक स्लाइड, फॉर्सेप, नीडल, ब्लेड, ब्रश, वॉच ग्लास, कवर स्लिप, पानी, ड्रॉपर, ग्लिसरीन, सेफ्रेनिन और एक डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैं इस गुड़हल के फूल को लेती हूँ। आपने लाल रंग का गुड़हल का फूल देखा होगा, यहाँ पर ये हल्का बादामी रंग का गुड़हल का फूल मैंने लिया है। फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। सबसे पहले हम निडिल की सहायता से कैलिक्स वाले भाग को अलग करते हैं। ये हरे रंग का जो हमको दिखाई दे रहा है ये है कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। ये देखिए, कैलिक्स को इस प्रकार से अलग कर देना है। इसके बाद फूल का जो रंगीन भाग होता है जिसे हम करोला कहते हैं, आम भाषा में हम पंखुड़िया कहते हैं, इसको भी हम अलग कर देते हैं। अगर हम इसकी संख्या देखेंगे तो ये संख्या में 5 है। तो 5 पेटल्स को यहाँ पर हमने अलग कर दिया है। अब आप देख सकते हैं हमें ये पीले रंग वाला भाग दिखाई दे रहा है। तो फूल के 2 जनन अंग होते हैं, नर जनन अंग जिसे हम पुमंग कहते हैं, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। इस पुमंग के भागों को अगर हम देखेंगे तो इसके भी 3 भाग होते हैं। ये पीले रंग का जो दिखाई दे रहा है ये है परागकोश, और परागकोश तंतु से जुड़ा हुआ है। परागकोश के अंदर में परागकण होते हैं और परागकण नर प्रजनन इकाई है। इस प्रकार से फूल का नर जनन अंग है पुमंग। इसके बाद हम मादा जनन अंग जिसे हम गायनोशियम कहते हैं इसके भाग को यहाँ पर निकालते हैं। इस प्रकार से
धीरे धीरे निडल की सहायता से इसका ऊपरी हिस्सा हम निकालेंगे ताकि अंदर में जो वर्तिका वाला भाग है वो टूट ना जाए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है गायनोशियम या जायांग। स्त्री केसर के समूह को हम जायांग कहते हैं। इसके तीन भाग हैं, ये हैं वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका जो सफ़ेद रंग का तंतु समान दिखाई दे रहा है, ये है वर्तिका, और नीचे में जो फूला हुआ भाग हमको दिखाई दे रहा है ये है अंडाशय। इस प्रकार से ये मादा प्रजनन अंग हैं जिसके तीन भाग हैं। अब हम इस फूले हुए भाग को जिसको हम अंडाशय कह रहे हैं इसका हम ट्रांसवर सेक्शन या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेंगे और इसके अंदर में जो बीजांड उपस्थित है उसको हम इस डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे। इसके लिए हमें ब्लेड की सहायता लगेगी। हम इसके ऊपरी हिस्से को काट देते हैं। हम कम से कम 3-4 सेक्शन लेंगे, थिन सेक्शन हमको लेना है ताकि अंडाशय में उपस्थित बीजाणु को हम देख सकें। ये मैं यहाँ पर ट्रांसवर सेक्शन ले रही हूँ, आड़ी काट। इस प्रकार से 2-3 आड़ी काट यहाँ पर ले ली है। इसी प्रकार से हम खड़ी काट भी लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। वो भी हमें पतला लेना है। इसके भी 2-3 सेक्शन ले लेंगे। अब इस आड़ी और खड़ी काट को हम सेफ्रेनिन से अभिरंजित करेंगे। थोड़ा सा ड्रॉपर की सहायता से ग्लिसरीन डालेंगे और इसे क्लव कवर स्लिप से हम ढक देंगे। इसको धीरे से ढकना है ताकि एयर बबल ना आए। इस प्रकार से हमने आड़ी काट को कवर स्लिप से ढक दिया है। अब इसे हम
इस डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे। इसके अंदर में हमें बीजाण दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, अभी हमने अंडाशय की आड़ी और खड़ी काट ली, जो इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। इसमें हमें बीजाण दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इन फूलों में परागण की क्रिया होती है। परागण किसे कहते हैं? जब नर जननांग के परागकोश के परागकण मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब ये क्रिया परागण कहलाती है। अगर परागण एक ही पौधे के फूलों के नर और मादा जननांग के बीच में या उसी फूल के नर और मादा जननांग के बीच में होता हो, तब उसे स्वपरागण कहते हैं। और अगर एक ही जाति के अलग अलग फूलों के नर और मादा जननांग के बीच में ये परागण की क्रिया होती है, तब हम उसे परपरागण कहते हैं। इसके पश्चात निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के बाद बीज का निर्माण होता है। किसी भी फूल के पुंकेसर के समूह को नर जननांग या पुमंग कहा जाता है। इसमें परागकोश, एंथरलोब और तंतु फिलामेंट योजी कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हुआ दिखता है। परागकोश के अंदर परागकण पोलिन ग्रेन होते हैं, जो नर प्रजनन इकाई है। इनमें नर जनन कोशिका या युग्मक होते हैं। फूल में स्त्री केसर के समूह को मादा जनन अंग या जायांग गायनोशियम कहा जाता है। यह फूल का मादा जनन अंग है। इसमें अंडाशय, ओवरी, वर्तिका, स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा दिखता है और वर्तिकाग्र स्त्री केसर का शीर्ष भाग है। वर्तिका अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला भाग है। अंडाशय स्त्री केसर के नीचे का फूला हुआ भाग है, जिसके आड़ी व खड़ी काट को सेफ्रेनिन में रंजित करके साफ पानी से धोए व स्लाइड में रखकर सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करें। अपने अवलोकनों को अपनी कॉपी में दर्ज करें। परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना परागण पॉलिनेशन की क्रिया कहलाती है। परागण यदि एक ही पौधे के फूलों के नर और मादा अंगों के बीच या एक ही फूल के नर और मादा अंग के बीच हो तो स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। एक ही जाति के अलग अलग पौधों के फूलों के नर और मादा अंगों के बीच परागण की क्रिया को परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। परागण के पश्चात यदि वर्तिकाग्र या वर्तिका में परागकण का अंकुरण होता है, तो परागनली पोलन ट्यूब के जरिए परागकण का नर जनन कोशिका अंडाणु तक पहुंचता है और निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसके पश्चात बीज सीड बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। चित्र की मदद से इसके आगे की प्रक्रियाओं का अवलोकन कीजिए। चित्र 6 में निषेचन से लेकर अंकुरण तक की अलग अलग अवस्थाएं दर्शाई गई है। बीज से अंकुर बनने की प्रक्रिया का अध्ययन आप पहले भी कर चुके हैं। किसी बीज के अंकुरण जर्मिनेशन के लिए कौन सी परिस्थितियाँ जरूरी हैं? आम, संतरा, महुआ, जामुन इत्यादि फलों को खाकर इनके बीज और गुठलियों को फेंक देने से अक्सर बारिश के एक या दो बौछारों के बाद इन बीजों में अंकुर फूट आता है। धीरे धीरे अंकुर एक छोटा सा पौधा बन जाता है और बड़ा होने पर फूल और फल से लदा पेड़ बन जाता है। इस प्रक्रिया में अंकुर की लंबाई, मोटाई और भार में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। पौधों में अंकुरण के बाद होने वाले कुछ बदलावों का क्रियाकलाप 3 द्वारा अवलोकन करते हैं।